धन्यवाद संचालक जी। बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे आदरणीय ओमन मेश्राम साहब, तमाम सम्मानित अतिथिगण और सामने बैठे और खड़े मूल निवासी साथी, साथियों कुल की आज़ादी को 72 साल से ज़्यादा हो गए और 72 साल की आज़ादी में मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा खराब करके रखे गए। केवल मुसलमानों के हालात ही देश में खराब है इतना तक ही मामला नहीं, मामला इससे ज़्यादा बड़ा है। मुसलमानों के अलावा भी देश की जो बहुत बड़ी आवाम है उनके ऊपर भी मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पर जुल्म और ज्यादती हो रही है। अगर हम शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात करें तो शेड्यूल कास्ट को कहीं पूछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़कर बारात नहीं निकालने दिया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि इस मुल्क में एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाता है मगर उस राष्ट्रपति को भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता और उसे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पूजा करना पड़ता है। इतने ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों के हालात मुल्क के अंदर खराब है। अगर हम शेड्यूल ट्राइब के लोगों की बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां के जल पर, वहां के जंगल पर, वहां के जमीन पर केवल आदिवासियों का ही अधिकार होगा, ये बात लिखा हुआ है। मगर ये लिखा होने के बावजूद सरकार आदिवासियों की जमीन को टाटा बिरला अंबानी अडानी को बेच रही है और जो आदिवासी इसका विरोध करते हैं उन्हें नक्सलाइट घोषित किया जाता है और गोलियों से मार दिया जाता है। आदिवासियों के ऊपर बड़े पैमाने पर जुल्म हो रहा है। इस देश के अंदर अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं। आप लोगों को जानकारी होगी सिखों का देश में बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ, लिंगायत जो कर्नाटका में बहुत बड़ी संख्या में है, लाखों की संख्या में लिंगायतों ने मोर्चा निकाला और कहा हम हिंदू नहीं है, हमारा स्वतंत्र धर्म है। लेकिन इस देश की सरकार ये कहती है कि हम तुम्हें जबरदस्ती से हिंदू बनाकर रखेंगे, तुम्हें तुम्हारे स्वतंत्र धर्म का दर्जा नहीं देंगे। लिंगायतों के ऊपर भी अन्याय हो रहा है, उनके ऊपर भी जुल्म हो रहा है। अभी जो सीए का कानून आया है इसमें लिंगायत कहां है? केवल मुसलमान ही गायब नहीं है, लिंगायत भी गायब। लिंगायतों को भी जबरदस्ती हिंदू बनाने का षड्यंत्र है, लिंगायतों के ऊपर भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, क्रिश्चियनों की संस्थाओं के ऊपर हमले हो रहे, बुद्धिस्टों का जो सबसे बड़ा सेंटर है बोध गया था उस पर ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा हुआ है। और देश की जो बड़ी माइनॉरिटी है जिसे मुस्लिम माइनॉरिटी कहा जाता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, केवल एक बात कहना चाहता हूं, आज की तारीख में मुल्क के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि मुसलमान के घर के अंदर किस चीज की बिरयानी पक रही है ये मुसलमान नहीं तय करते, मुसलमान के घर के अंदर किस चीज की बिरयानी पक रही है ये तय करने का काम आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के गुंडे करते हैं। मुसलमान को मोमलिंचिंग का शिकार बनाया जाता है, हत्या की जाती है, मुसलमानों के ऊपर भी देश में बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार। इसके अलावा भी देश का एक बहुत बड़ा तबका है जिसे ओबीसी कहा जाता है, जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं। आजादी को 72 साल हो गए और 72 साल की आजादी में इस देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर हम जो 52% ओबीसी के लोग हैं, 52% ओबीसी के लोगों की आजादी के 72 साल में गिनती तक नहीं। और गिनती का कितना बड़ा महत्व, जब आप घर के बाहर होते हो तो घर की जो महिला खाना पकाती है वो आपको टेलीफोन करती है और क्या कहती है, आज घर आना है या नहीं आना। आप बोलते हो नहीं घर आएंगे,
तो दूसरा सवाल करती है, खाना खा करके आओगे या घर में आकर खाना खाओ? क्यों, घर के खाने में अगर आपकी गिनती ना हो तो घर में खाना मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर देश में ओबीसी की गिनती नहीं है तो बजट में हिस्सा मिलने की कोई संभावना नहीं है। और आजादी के 72 साल में ओबीसी को बजट में एक नया पैसा नहीं दिया गया, क्योंकि 72 साल में ओबीसी की गिनती नहीं। तो इस देश में केवल मुसलमानों के ऊपर ही जुल्म हो रहा है, ये बात सही नहीं है। और ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई ऐसा सोचते हैं केवल मुसलमानों के ऊपर ही जुल्म हो रहा है। मुसलमानों को छोड़कर जो दूसरे लोग हैं वो तो सब हिंदू हैं, और उनके लिए तो अमित शाह बहुत अच्छा कर रहा है, उनके लिए तो नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा कर रहा है, उनके लिए तो मोहन भागवत बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा नहीं कर रहा है, आपके भी हालात खराब हैं, हमारे भी हालात खराब हैं। आपके ऊपर भी जुल्म कर रहा है, हमारे ऊपर भी जुल्म कर रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी कहते हैं वो ओबीसी है, कब ओबीसी होते जब वोट लेना होता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं हम चाय बेचने वाले, कब चाय बेचने वाले, जब वोट लेना होता तब चाय बेचने। नरेंद्र मोदी कहते हैं हम नीच जाति के हैं, कब नीच जाति के हैं, जब वोट लेना होता है तब नीच जाति, जब कानून बनाना होता है हमारे समर्थन में, जब हमें हक अधिकार देने की बात आती है तब नरेंद्र मोदी हमारी नहीं सुनते, हमारी बात नहीं करते, तब वो मोहन भागवत की सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते। क्योंकि नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, नरेंद्र मोदी मुखौटा है। पुराने लोग हैं तो कठपुतली देखा होगा, नए लोग कठपुतली नहीं जानते हो, तो कठपुतली नाचते हुए दिखाई देती थी मगर नचाने वाला दिखाई नहीं देता था। नचाने वाला अलग है, नाचने वाला अलग है। नाचने वाला नरेंद्र मोदी अमित शाह है, नचाने वाला आरएसएस और भागवत है। ये बात हम लोगों को समझ। नरेंद्र मोदी अपने को ओबीसी कहते, ओबीसी के विरोध में बड़े बड़े फैसले कर रहे, जानवरों की गिनती का आदेश दिया मगर ओबीसी की गिनती का आदेश नहीं दिया। 314 ओबीसी के बच्चे जो आईएएस की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति को क्रीमिलेयर का नियम बदल करके रोक दिया। ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया, बजट में एक नया पैसा ओबीसी को नहीं दिया। ओबीसी है, ओबीसी के विरोध में फैसले ले रहा है क्योंकि कठपुतली है, नचाने वाले मुखौटा है। आरएसएस के ब्राह्मणों ने सोचा कि ब्राह्मण को लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए पिछड़े वर्ग के नेता का चेहरा दिखाना होगा, ओबीसी के आदमी का चेहरा दिखाना होगा, इसलिए आरएसएस के ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगा लिया। हम देखते हैं तो हमें नरेंद्र मोदी दिखता है मगर पीछे से सत्यानाश का सारा कार्यक्रम आरएसएस के ब्राह्मण चला। आजादी के 72 साल में अगर इस मुल्क के हालात खराब हो, आज किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान बड़ी से बड़ी डिग्री ले ले उसे रोजगार नहीं है, और हालात तो अब इतने खराब हो गए पाकिस्तान के ऊपर जा, जो खुद ही विदेश से आए वो हमको कह रहे हैं कागज दिखाओ, तुम शहरी हो यहाँ के कि नहीं हो, बासिंदे हो कि नहीं हो, कागज दिखा। जिनका खुद डीएनए विदेशी है, यूरेशियन है, वो हमसे कागज मांगने की बात कर रहे हैं। पानी सर के ऊपर जा रहा है, इसलिए ये सोचने और समझने की जरूरत है कि आखिर आजादी के 72 साल की आजादी में, मुल्क की 72 साल की आजादी में ये बड़े पैमाने पर जुल्म क्यों बढ़ रहा है? अरे जुल्म तो कम होना चाहिए था ना, जब मुल्क आजाद हो गया तो जुल्म कम होना चाहिए था, बढ़ क्यों रहा? ये सोचने की बात है। और ये इसलिए भी सोचने की बात है क्योंकि इस मुल्क में जब अंग्रेज थे तब हमारे बुजुर्गों को यह बात बताई गई थी, हमारे बुजुर्गों को यह बात समझाई गई थी कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं, अगर अंग्रेजों को इस मुल्क से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए। सबसे बड़ी तादाद में मुस्लिम उलेमाओं ने शहादत दिया अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए, कुर्बानी देने का काम किया। इसके लिए कुर्बानी दिया था क्या कि कागज मांगा जाएगा, हमें आतंकवादी घोषित किया जाएगा, इसके लिए कहा था?
इसके लिए तो नहीं कुर्बानी दिया था, मगर मुल्क में ये हालात पैदा हो गए। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कुर्बानी दिया, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने कुर्बानी दी, और हमारी कुर्बानियों की वजह से अंग्रेज इस मुल्क को छोड़कर गए। अकेले 3.5% ब्राह्मणों की औकात नहीं थी कि अंग्रेजों को इस मुल्क से खदेड़ देते अगर हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां नहीं दी। लेकिन आज हमारे हालात खराब कर दिए गए हैं, इसलिए सोचने का विषय है आखिर कारण क्या है। जब इसके बारे में पढ़ा लिखा गया, सोचा गया, चिंतन मंथन अध्ययन किया गया, तो ये बात निकल कर सामने आई कि इस मुल्क में अंग्रेज बाद में आए, और अंग्रेजों के आने के हजारों साल पहले ब्राह्मण इस मुल्क में आए, और जैसे अंग्रेज विदेशी थे वैसे ब्राह्मण भी विदेशी हैं। ब्राह्मणों का डीएनए और यहूदियों का डीएनए मिलाया गया तो मिल गया ये ब्राह्मण कोई और नहीं, यहूदियों की नस्ल के लोग। और जब ये ब्राह्मण आए तो हमारे लोगों को अछूत घोषित किया, शेड्यूल कास्ट के लोग जो आज की तारीख में हैं उनको अछूत घोषित किया। अछूत का मतलब आप नहीं समझते होंगे, क्योंकि मुसलमान किसी के साथ छुआछूत नहीं करते, इसलिए पता नहीं होगा। अछूत का मतलब ये है, कुत्ता जीव से थाली चाट ले तो थाली पवित्र होती है, लेकिन हमारा शेड्यूल कास्ट का आदमी अगर उस थाली को हाथ लगा दे वो थाली अपवित्र हो जाती है, घर के बाहर चली जाती है। ये ब्राह्मणों ने बनाया और अंग्रेजों के आने के पहले बनाया। शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत घोषित किया, गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर किया। शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया। ओबीसी के लोगों को शूद्र घोषित किया और इनको गुलामी करने के लिए मजबूर किया। कहा हमारी मुफ्त में सेवा करो, हल तुम चलाओ, पैदा तुम करो, लेकिन हमको मुफ्त में खिलाने का काम कर। हमारे ओबीसी के लोगों ने पूछा, पैदा हम कर रहे हैं तुमको मुफ्त में खिलाएंगे हमें क्या मिलेगा? बोला ये जन्म में कुछ नहीं मिलेगा। हमारे लोगों ने पूछा ये जन्म में क्यों नहीं मिलेगा? कहा ये जो जन्म तुम्हारा हुआ है सूत्र के घर में, ये पिछले जन्मों का पाप है। अगर अगला जन्म सुधारना चाहते हो तो ब्राह्मण की निष्काम भाव से सेवा करो, अगले जन्म में तुम भी ब्राह्मण हो सकते हो। हमारे लोगों ने सोचा ये जन्म तो खराब ही हो गया, अगला जन्म ही सुधार लेते तो हमारी हजारों पीढ़ियों ने मुफ्त में ब्राह्मणों की सेवा की है, मगर फिर भी ब्राह्मण नहीं हुए। अब आप कहेंगे विकास जी इस जन्म का तो पता है ब्राह्मण नहीं हुए, अगले जन्म का आपको कैसे पता नहीं हुए? वो ही इसलिए पता है कि हमारी ओबीसी की संख्या है 52%, ब्राह्मणों की संख्या है 3.5%। अगर हमारे लोग अगले जन्म में ब्राह्मण हो गए होते तो ब्राह्मणों की संख्या 3.5% नहीं होती, वो 52% हो गई होती। ये इस बात का सबूत है कि हमारे लोग हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। और मनुस्मृति लिखा, मनुस्मृति में लिखा अगर शूद्र के कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए, आंख से देख ले तो आंख में सुज्जा डाल देना चाहिए, उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए। ऐसा कानून तो अंग्रेजों ने नहीं बनाया, ऐसा कानून मुगलों ने भी नहीं बनाया। इतने भयानक कानून ब्राह्मणों ने बनाए और अंग्रेजों के आने के पहले। इस बात को ज्योतिबा फुले जानते थे, छत्रपति साहू महाराज जानते थे, बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे, और इसीलिए उन लोगों का कहना था कि ये जो ब्राह्मण है ये अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है, पहले इनसे आजाद हो जाओ बाद में अंग्रेजों से आजाद हो जाओ। इस बात को फूले साहू अम्बेडकर पेरियार जानते थे, और इसकी वजह से उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उस लड़ाई की वजह से आज हमको बोलने का अधिकार है और सुनने का अधिकार है। नहीं तो ना बोलने का अधिकार होता ना सुनने का अधिकार होता। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और संविधान में यह हक अधिकार हम लोगों को दी। तो ये जो ब्राह्मण नाम के विदेशी थे ये अंग्रेज चले गए 15 अगस्त 1947 को और ब्राह्मण फिर हुक्मरान बन गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दे दिया, ब्राह्मणों ने सोचा भी सबको वोट का अधिकार मिल गया। जब सबको वोट का अधिकार मिल गया तो ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, 3.5% वोट से तो हम गांव की पंचायत पर कब्जा नहीं कर सकते। जब गांव की पंचायत पर कब्जा नहीं कर सकते
तो देश की पंचायत पर कब्जा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए वो हमारे गली मोहल्ले में आने लगे। और गली मोहल्ले में आकर क्या कहने लगे? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी के मोहल्ले में आने लगे। किनके मोहल्ले में आने लगे? जिनके बारे में उनके ग्रंथों में लिखा है कि अगर इनकी परछाई पड़ जाए तो नहाना पड़ता है, गोमूत्र छिड़कना पड़ता है और सूर्य दर्शन करना पड़ता है। ऐसे लोगों के मोहल्ले में आने लगे और मोहल्ले में आकर ये कहने लगे कि गर्व से कौन हिंदू है। एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। हमको मुसलमानों के विरोध में भड़काने लगे, मुसलमानों का डर दिखाते दिखाते दिखाकर दिखाकर हमारा समर्थन लिए। और मिला किसको? इस देश की विधायिका पर ब्राह्मण का कब्जा हो, इस देश की कार्यपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, इस देश की न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, इस देश की मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। शेड्यूल कास्ट का कोटा पूरा नहीं, शेड्यूल ट्राइब का कोटा पूरा नहीं हुआ, ओबीसी को कुछ नहीं मिला और मुसलमान जो गुलाम भारत में 33% थे, आजाद भारत में 2.5% पर आ गए। मतलब हमको और आपको लड़ाया और कब्जा ब्राह्मणों का हो गया। आज भी हमें और आपको लड़ा रहे हैं और नियंत्रण ब्राह्मणों का। इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है कि हम आप कोई अलग अलग है क्या? मुसलमान इस देश में कोई अरब ईरान से आए हुए लोग हैं क्या? अरब ईरान से आए लोग नहीं है, डीएनए टेस्ट हो गया। ये हमारे डीएनए के भाई हैं, हमारे खून के भाई हैं। हमारा डीएनए आपका डीएनए मिल गया, लेकिन ब्राह्मणों का डीएनए हमसे आपसे नहीं मिला, वो यहूदियों के साथ में मिले। हमारा डीएनए आपका डीएनए एक है, इस बात को ब्राह्मण जानता है, हम नहीं जानते। और ब्राह्मण हमको और आपको लड़ाता रहता है। तो बहुत दिन हो गए आपस में लड़ते लड़ते, हम आपस में लड़े, हम लोगों का सत्यानाश हुआ। इसलिए अभी मेसराम साहब एक मुहिम लेकर के आए हैं कि बहुत दिन हो गया अलग अलग लड़ाई लड़ते लड़ते, अभी अलग अलग नहीं लड़ेंगे, अभी एकजुट होकर के लड़ेंगे। और एकजुट होकर के लड़ेंगे तो ब्राह्मणों ने जो नाइंसाफी का निजाम कायम किया है, उस नाइंसाफी के निजाम को ध्वस्त करेंगे और इंसाफ कायम करेंगे। इस लड़ाई में आप लोग सहयोग देंगे, ऐसी उम्मीद के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।